आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दुकानदार को चाकू मारकर घायल कर दिया है। आपको बता दें कि दुकानदार ने अपराधियों से कोल्ड ड्रिंक का पैसा मांगा, जिसके बाद अपराधियों ने दुकानदार को चाकू मार दिया। घटना नगर थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूर पर शाहिद सराय मार्केट की बताई जा रही है। बताया जाता है कि दुकानदार अरविंद कुमार अपने दुकान में था, तभी तीन की संख्या में अपराधी आए और दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले ली। दुकानदार ने जब पैसा मांगा तो चाकू मारकर फरार हो गए। दुकानदार अरविंद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सिवान सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। सिवान से आर्यभट्ट न्यूज के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। कहाँ का था सर? कितने संख्या में था सर अपराधी? तीन ही था सर। ठंडा का विरोध, ठंडा जबरदस्ती ले रहा था सर। भाई है मेरा, दुकान पे था, ठीक है। मैं पूछा उसको कि क्या हुआ है, तो बोला कि आया है सब दुकान पे और ठंडा लिया है सब और लेके जा रहा था। मैं पैसा मांगने गया वो भाई मेरा, तो उससे झगड़ा किया सब, मतलब उल्टा वो बोलने लगा सर, रेतो कार बोलने लगा सर। ये भी थोड़ा सा बोला कि काहे से बोलने लो, तब तक भी लोग हाथापाई कर दिया सर। उसी में निकाल के चाकू ऐसा मारा। कौन लोग था जो चाकू मारा है? तीन लड़के थे, ठीक है। हम पहचानते नहीं है, वो बोल रहा है कि हम जानते पहचानते हैं शायद। तो यानी ठंडा जबरदस्ती ले रहा था लोग? हाँ, दुकान से उठा लिया था उसी का विरोध किए तो चाकू। हाँ।